कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में काम पर गए मजदूर भाई और बहन वापस मध्य प्रदेश लौटे हैं, वो हमारे अपने हैं, उनके लिए हर तरह की व्यवस्था करने का हम प्रयास कर रहे हैं। उनको हमने निःशुल्क राशन देने का फैसला किया है, संबल योजना से जोड़ा है, और जो हमारे अकुशल श्रमिक हैं उनको श्रम सिद्धि योजना में रोजगार दिया जा रहा है। लगभग 23 लाख से ज़्यादा मजदूर आज हमारे मनरेगा में काम कर रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बाहर के प्रदेशों से आने वाले हमारे प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं। लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जो कुशल मजदूर हैं, कारखानों में या अन्य संस्थानों में काम करते थे, और इसलिए हमने एक योजना बनाई है, रोजगार सेतु। इस रोजगार सेतु योजना के अंतर्गत वो फैक्ट्रीज में जो काम करते थे उसकी हम सूची बना रहे हैं। वो कुशल है लेकिन कौन कौन से काम करते थे उसका हम पूरा डाटा तैयार कर रहे हैं। वो फैक्ट्रीज में काम करते हों, कहीं और अधोसंरचना विकास की योजनाओं में काम करते हों, ये सूची कल से बनना, ये सूची 27 तारीख से बनना शुरू हो रही है, और इसके बाद हम संपर्क करेंगे उन फैक्ट्री मालिकों से, कारखाना चलाने वालों से, या अधोसंरचना विकास, बांध, सड़क, पुल, पुलिया इत्यादि का काम करने वाले ठेकेदारों से जिनको इस तरह के मजदूर की आवश्यकता है। तो हमारे जो स्किल्ड प्रवासी मजदूर भाई बहन हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाके हम उनसे जोड़ेंगे जिनकी इनको ज़रूरत है, कारखाने मालिक, अधोसंरचना विकास का काम करने वाले, उनकी जो आवश्यकता है जैसे स्किल्ड मैन पावर की, वो इन मजदूर भाई बहन और भाइयों से पूरी होगी और इनको काम मिल जाएगा। जिनको ज़रूरत है उनको, जिनसे काम लेना उनसे जोड़ने के लिए रोजगार सेतु योजना, हमारी कोशिश यह है कि इस योजना के अंतर्गत हम अधिकतम कुशल मजदूर बहन और भाइयों को काम दिला पाएं ताकि उनकी ज़िंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल निकले।